जय हिंद वंदे मातरम क्लास। आज हम नवदे के अध्याय 3 भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि भिन्न भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया जाता है और कैसे भाग दिया जाता है। आज भिन्नों पर आधारित सवाल करेंगे कि किसी भी भिन्न को कैसे बताएं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, उसको आरोही क्रम में कैसे जमाएं, अवरोही क्रम में कैसे जाएं, इजिली आसानी से। आइए शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल है, भिन्नों 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5 को आरोही क्रम में सजाइए। पहला सवाल, 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5 को आरोही क्रम में सजाना है। हमें इस सवाल से कई प्रकार के समझेंगे कि आरोही क्रम क्या, आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, अवरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, इनमें से कौन सी, इन चारों भिन्नों में से कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। मतलब इस सवाल से हम चार प्रकार की चीजें समझेंगे। तो पहले तो इसको भिन्न देख लिया, आपको समझाएं कि भिन्न क्या होती है पर कैसे करेंगे इसके सवालों को। तो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए जो नीचे के हर होते हैं, आपको बताया था भिन्न में दो चीजें होती है, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। हम क्या करते हैं, जो भिन्नों का हर होता है, इनके तीनों का, इन चारों भिन्नों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 2, 3, 4 और 5 का। लेते हैं, 2 से भाग देंगे 1, 3, 4 में देंगे 2, 5 में नहीं जाएगा, ऐसा कैसे ही। वापस 2 से देंगे 1, 3, 1, 5, 3 से देंगे 1, वैसा कैसे, 1, 1, 5, 5 से देंगे 1, 1, 1, 1। अब एलसीएम 5, 3, 15, 15, 2, 30, 30, 60, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 2, 2, 2, 3, 5, ये 60। तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ गया 60। एक सवाल को समझ लीजिए, बाकी सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो 2, 3, 4, 5 का एलसीएम हमारा 60 आ गया, ठीक है। तो हमने ले लिया 60 एलसीएम। अब 2/3 भिन्न के लिए लेंगे, हमारा एलसीएम 60 आया, हमने 60 लिख लिया एलसीएम। अभी भिन्न 2/3 के लिए ले रहे, तो क्या करेंगे, इस 3 से 60 में भाग देंगे। 60 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। कैसे, 3 से 6 में देंगे 6, 2 बार, कुछ नहीं, 0 बचेगा, यहां भी 0। तो 3 से अगर 60 में भाग देंगे, 3 से अगर 60 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 6 में 6 गया 0, यहां भी 0, तो यहां 0 लिख देंगे, ठीक है। तो 3 से 60 में भाग देंगे 20 बार, इस 20 का गुना हो जाएगा ऊपर के 2 में, कॉमा 60। 3/4 भिन्न के लिए लेंगे, 3/4 के लिए, तो 3/4 के लिए लेंगे तो 60 तो हमारा एलसीएम है, 60 लिख दिया। तो 3/4 के लेंगे, 4 से भाग देंगे 60 में, 4 से भाग देंगे 60 में, 4 से भाग दिया, 4 से 6 में देंगे 1 बार, 6 में 4 गया 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 4 से 20 में देंगे तो 4 × 4, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 16, 4 × 5 = 20, 5 बार जाएगा, 20 में 20 गया 0, मतलब 4 से 60 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 4 से 60 में भाग दिया 15 आएगा, उस 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 में, कॉमा। अब 1/2 भिन्न के लिए लेंगे, जब 1/2 भिन्न के लिए लेंगे तो इस 2 का भाग जाएगा 60 में, तो 2 का भाग देंगे 60 में, तो 2 से 6 में देंगे 3 बार, 6 आ जाएगा, 6 में 6 गया 0, ऊपर भी बचे 0, तो 0 यहां लिख देंगे हम, 30, मतलब 2 से 60 में भाग देंगे 30 बार, इस 30 का गुना हो जाएगा, इस 30 का गुना हो जाएगा इस 1 में, कॉमा। 4/5 के लिए लेंगे, अब इस 5 से भाग देंगे 60 में, क्योंकि एलसीएम हमारा 60 है, ये लिख दिया हमने 60 एलसीएम, इस 5 से भाग देंगे 60 में, तो 5 से 6 में भाग देंगे 1 बार, 5 आ गया, 6 में से 5 गया 1 बचा, ऊपर से उतरेंगे 0, 5 से 10 में भाग देंगे 2 बार, 10 में 10 0, तो 12, जब 5 से 60 में भाग देंगे 12, 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, 2 का 20 में करेंगे 40 हो जाएगा, बटे में 60, कॉमा।
तीन का 15 में करेंगे, तीन पंज 15 45 बटे में 60, 30 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे 30 ही आएगा 60, 4 का 12 में करेंगे 12 चुक 48। अभी हम देख सकते हैं कि यहां हर हमारे समान है, हर हमारे सभी के बराबर है, लेकिन जो अंश है वो अलग है। अब यहां पे जिसका अंश ज्यादा है वो बड़ी भिन्न और जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न। तो यहां से हम दो सवाल बता सकते हैं। अगर हमसे पूछा कि इन चारों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न है 4/5, ये राइट आंसर बड़ी भिन्न के लिए। और अगर पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 1/2। ये तो दो प्रकार के सवाल हो गए, छोटी और बड़ी। अब बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम की। इतना समझ में आया कैसे किया, आप समझे एक बार। तो जब भी किसी संख्या को बताना हो कि इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो ये देखो इसमें से हमने क्या किया, 2/3, 3/4, 1/2, 4/5, इन चारों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर करें सभी के साथ। चलो वापस सवाल देखते हैं कि इन चारों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, इनको आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, अवरोही क्रम में कैसे। विथ इन अ सेकेंड यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्न इन विथ इन अ सेकेंड। चलो 2/3, 3/4, 1/2 और 4/5 में से कौन सी भिन्न बड़ी है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन भिन्नों की वैल्यू कैसे बताएं। अगर ऐसे ही होता है 2, 3, 4, 1 में से पूछता तो हम बता देते हैं कि एक सबसे छोटी है, चार बड़ी है, पर ऐसे कैसे बताएं। और अगर हमें हर, तो हमने क्या किया, इन चारों संख्याओं के हर का ले लिया एलसीएम, 3, 4, 2, 5, तो 2, 3, 4, 5 हमने सिक्वेंस में लिया, 2, 3, 4, 5 का एलसीएम लिया। एलसीएम ऐसे लेते हैं हम भाग विधि द्वारा, तो भाग दिया, हमारा एलसीएम आया 60, 2 से भाग दिया, 3 से, 5 से एलसीएम आ गया 60, तो हमने 60 एलसीएम लिख दिया। अब जब 60 हमारा एलसीएम आ गया, 2/3 भिन्न के लिए लेंगे हम, 2/3 भिन्न के लिए लिया, 60 एलसीएम है, तो इस 3 से भाग देंगे 60 में, 3 से भाग दिया 60 में तो 20 आया, उस 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले 2 में। सबसे पहले एलसीएम ले लिया, फिर 2/3 भिन्न के लिए 3 से भाग दिया 60 में, आंसर आया 20, 20 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 20 में, या 20 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 में। 3/4 भिन्न के लिए लेंगे, एलसीएम हमारा 60 है, तो 3/4 भिन्न के लिए लेंगे तो 4 से भाग देंगे 60 में, 4 से भाग दिया 60 में 15 आएगा, भाग दे के देख लो। अब उस 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, कर दिया कॉमा। 1/2 भिन्न के लिए लेंगे, 1/2 भिन्न के लिए लिया, 2 से भाग देंगे 60 में, एलसीएम हमारा 60 है, 2 से भाग दिया 60 में 30 आया, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, आ गया। 4/5 भिन्न के लिए, एलसीएम हमारा 60 है, 4/5 के लिए लेंगे, 5 से भाग देंगे 60 में 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 का गुना कर दिया 20 में, 40 आ गया, 20 दुना 40, और इधर 15 का किया, 15 से 45, 60 आ गया, 30 से कम 30 और 12 चुक 48, सिंपल सा है। अब इसमें से हम बता सकते हैं कि जिसकी वैल्यू, जिसके अंश, जिस भिन्न के अंश की वैल्यू कम है वो सबसे छोटी भिन्न कौन सी वाली है, 30/60। पर ये वैल्यू हमारा ये मान नहीं है, इस मान को देखकर हम छोटी बड़ी बता सकते हैं, लेकिन भिन्न तो हमारी यही छोटी है, ठीक है, भिन्न यही छोटी है हमारी, हम इसको देख के ये बोल सकते हैं कि भिन्न है, ठीक है। तो ये भिन्न हमारी सबसे छोटी भिन्न हो गई, ये हमारी बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी भिन्न कैसे, जिसका अंश सबसे छोटा वो छोटी भिन्न, जिसका हर अंश सबसे बड़ा वो बड़ी भिन्न। अब बात करते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम की। आरोही क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर, अब इस वैल्यू को देखकर हम भिन्न का बता सकते हैं। सबसे छोटी भिन्न असेंडिंग आरोही क्रम में, सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी है, 1/2,
30 बटा 6, उसके बाद 4, ये 40 6, तो ये हो जाएगा 2 बटा 3, उसके बाद 45 60 है तो हो जाएगा 3 बटे 4, सबसे बड़ी 4 बटे 5। तो ये तो आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। एक और आरोही क्रम भी बोलते हैं, बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे घटते क्रम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48 बटे 60, तो 48 बटे 60 कहां से आया, 4 बटे 5 से, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 बटे 5। अब 48 बटे 60 के नीचे उससे छोटी कौन सी, 45 बटे 60, 45 बटे 60 कैसे आया, 3 बटे 4 से। फिर अगली संख्या हमारी 45 बटे 60, ये हो गया 40 बटे 60, 40 बटे 60 2 बटे 3 से आया। अगला, अगली संख्या 30 बटे 6, भिन्न हमारी 1 बटे 2। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, घटते क्रम। ये हो गया हमारा आरोही, सॉरी, ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, हिंदी में बोलेंगे घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। कहां से पता लगाया, एलसीएम के थ्रू। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, बढ़ते क्रम में देखेंगे सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, उसके बाद बड़ी और छोटी, तो हम देख के बता देंगे। तो ये एक सवाल है, इस प्रकार के सवाल से हम कई प्रकार के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमें समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए आज एक ही सवाल, क्योंकि हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे सवाल समझ में आए, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।